السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد

और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम मोहतरम हज़रा ख़वातीन आज फिर इस्लामिक सेंटर सनाकदीम रियाज की जानिब से ये दीनी दावती प्रोग्राम मनक़द किया गया है जिसमें आज जिस मौजू के तहत मैं कुछ बातें आप हजरात के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ वो है इबादत गुजार जालिम का अंजाम जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक वाल ने इंसान और जिन्नात को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया अल्लाह ताला ख़ुद इर्शाद फरमाता है व मा खलत आब्दौन कि मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है इबादत गुजार कहते किसको हैं इससे पहले कि मैं इसकी वजाहत करूं आपके सामने सूर्य आलिमरान आयत नंबर फिफ्टी सेवन आयत तलावत की गई है उसका तर्जमा आपको मैं आपके सामने पेश कर देता हूं अल्लाह ताला ने तशा फरमाया व अमलिन आमन वाम और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अमले साले किया फई हिम उजू रूम तो अल्लाह तबार को उनका पूरा पूरा बदला देगा और आगे इसी आयत में इरशाद हुआ वल्लाबालमीन अल्लाह तबारको ताला जालिमों को पसंद नहीं करता है यह इस आयत का तर्जा हुआ मौजू क्या है इबादत गुजार धालिम का अंजाम इबादत गुजार किसे कहते हैं इबादत गुजार का मतलब सोम सलाद का पाबंद नमाज रोज़े का पाबंद हज रोज़े, हज और ज़क़़़़़त का पाबंद ऐसे शख़्स को इबादत गुजार कहा जाता है जो नमाज का रोज़े का ज़क़़़़़त का हज का इन सारी चीज़ों पर पा, की पाबंदी करता है तो इबादत गुजार का मतलब आपके समझ में आ गया इबादत गुजार ज़ालिम, किसको कहते हैं ालिम भी आप जानते हैं जो किसी और पर ज़्यादीती करता है और ये जुल्म की कई किस्में हैं आगे चल करके के मैं इसकी वजाहत करूंगा लेकिन जालिम का लफ्ज़ भी आम है मालूम ये हुआ कि इबादत गुजार जालिम यानी जो इबादत भी कर रहा है सोमोसलाद की पाबंदी भी कर रहा है ऐसा जालिम है वो भी वो ऐसा जुल्म कर रहा है उसका अंजाम क्या होगा वो कौन सा अमल है कि एक इबादत करने वाला एक नमाज पढ़ने वाला एक रोज़ा रखने वाला वो अमल करता है तो वो जालिमों के सफ़ में आ जाता है और फिर अल्लाह तबारक वाली ऐसे शख्स को चाहे वो मर्द हो औरत हो बूढ़ा हो जवान हो पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो कोई भी हो कि इबादत गुजार भी है यानी सो मसरात का पाबंद भी है और वो जालिम के सफ़ में भी आ रहा है और अल्लाह तबारक वाली ऐसे शख्स को क़यामत के दिन क्या उसका अंजाम हो जाए उसको उसको सज़ा क्या मिलेगी किस सफ़ में होगा आया वो जहनमियों में से होगा या जन्नतियों में से होगा चाहे मर्द हो या औरत हो इबादत गुजार है लेकिन ऐसा अमल उसके पास है जिसकी वजह से वो जालिमों के सफ में आ जाता है जालिम जुल्म जो है जुल्म जुल्म की तीन किस्में होती हैं जुल्म यानी तीन तरह का होता है मतलब ये कि जुल्म जो है तीन तरह का होता है एक जुल्म तो ये होता है कि अल्ला, उसका अल्लाह उसका ताल्लुक अल्लाह तला से होता है अल्लाह तला के मुतिक म और अल्लाह उनमें से सबसे बड़ा जुल्म क्या है शिरक कि अल्लाह तबारक वाली के साथ बंदा किसी को शरीक ठहराए इसको सबसे बड़ा जुल्म कहा जाता है अल्लाह ताला खुद इशारा फर्माता है इन न शर्क ओदीम यकीन शर्क बहुत बड़ा जुल्म है तो पहला अल्लाह ताला से मुतल ऐसी दूसरे नंबर पर लोगों पर म करना लोगों पर म करना एक शख्स दूसरे पर म करता है गरीब आदमी पर अमीर आदमी करता है एक बड़ा छोटे पर जुल्म करता है एक औरत अपने से छोटी औरत पर जुल्म करती है एक काम कराने वाला अपने मज़दूर पर जुल्म करता है एक सास अपनी बहू पर जुल्म करती है एक ससर अपनी बहू पर जुल्म करता है इस तरह से ये जुल्म दूसरे पर एक दूसरे पर आ रहा इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन नबालम यकीनन वो जालिमों से मोहब्बत नहीं करता है ये जो दूसरे पर एक दूसरे पर जुल्म करते हैं अल्लाह तबारक वाली उनसे मोहब्बत नहीं करता है और तीसरे नंबर पर अपने नफ्स पर जुल्म करना अपने नफ्स पर जुल्म करना यानी अपनी जान पर जुल्म करना अल्लाह ताला ने इशाया फमिन फिर उनमें से बाज अपने ज... अपने नफ्स पर अपनी जान पर जुल्म करने वाले हैं यानी बाज़ लोग क्या करते हैं अपने नफ्स पर अपनी जान ही पर जुल्म करते हैं और ये याद रखें कि इन तीनों किस्मों में से दर हकीक़त इंसान अपने आप ही पर जुल्म करता है चाहे उसका ताल्लुक अल्लाह ताला से हो चाहे उसका ताल्लुक दूसरों से हो या उसका ताल्लुक अपनी जान से हो तीनों किस्मों में से तीनों तरह के जुल्म में से इंसान अपने आप ही पर जुल्म करता है क्योंकि इन सब का वो बाल उसकी जान पर ही पड़ने वाला है कोई भी जुल्म करे वो बाल यानी परेशानी किसके ऊपर आएगी उसके ऊपर खुद आएगी अल्लाह तबारक वाली ने सूरत आराफ आयत नंबर 160 में इर्शा फरमाया वमा वा, वा किन कानू अनफल और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया अल्लाह ताला फरमाता है कि उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया वन कानू अनफुजम यदलिमोन बल्कि अपने आप पर ही जुल्म किया करते थे वो अल्लाह पर कोई जुल्म नहीं करता वो अपने आप ही पर जुल्म करने वाते वाले होते हैं मोहतरम हजरात ख़वान आप देखें तो बहुत सारे मर्द और औरत को इबादत गुजार पाएंगे नमाज़ की पाबंदी है रोज़े की पाबंदी है कुरान की पाबंदी है सदको खैरात की पाबंदी है बातचीत में पाबंदी है यानी उनके पास सारी चीज़ें होंगी बाकायदा नमाज रोज़ा कुरान की तलावत उम्र करना हज करना ये सारी चीज़ें लेकिन उनके यहाँ जुल्म पाया जाता है वो दूसरों पर जुल्म करते हैं अब अगर किसी ने लोगों पर जुल्म कर रखा है चाहे वो एक आलिम हो चाहे जाहिल हो चाहे सेठ हो चाहे अमीर हो चाहे औरत हो चाहे मर्द हो कोई भी हो अगर किसी पर जुल्म कर रखा है और वो नमाज भी पढ़ता है रोजा भी रखता है तो ज़क़ा और जक़ात भी दे रहा है कमाल यह है कि जक़ात भी देता है और हज भी करता है लेकिन ऐसी सूरत में वो अल्लाह ताला की रहमत से महरूम कर दिया जाएगा अल्लाह तबारक वाल उसको रह अपनी रहम से महरूम कर देता है इन इबादतों के होने के बावजूद वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा यानी नमाज भी है रोजा भी है जक़ात भी है उम्रा भी किया है हज भी किया है लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से महरूम है क्यों इसलिए कि उसने दूसरों पर जुल्म कर रखा है उसने दूसरों पर जो जुल्म किया है उस जुल्म की वजह से अल्लाह तबारक तआला अपनी रहमत से उसको महरूम कर देता है क्योंकि ऐसा शख्स अपने मातहतों पर जुल्म करता है अपने मुलाजिमों पर जुल्म करता है अपने घर वालों पर जुल्म करता है एक बड़ा होता है छोटे पर जुल्म करता है अब अगर ये लोग एक दूसरे पर जुल्म कर रहे हैं एक औरत है एक औरत है वो अपनी बहू पर जुल्म कर रही है एक ससुर है अपने बहू अपनी बहू पर अपने बच्चों पर अपने गुलाम पर अपने नौकर पर जुल्म कर रहा है जेठानी है दौरानी पर जुल्म कर रही है यानी किसी का किसी तरह से कोई भी ताल्लुक हो अगर कोई जुल्म कर रहा है चाहे बड़ा छोटे पर करे चाहे आका गुलाम पर करे चाहे सास बहू पर करे जेठानी देवरानी पर करे कोई भी करे तो एक ही जुमरे में सब आ जाते हैं वो जुल्म ही में उनका शुमार हो शुमार होगा कहीं किसी का हक मार करके जुल्म किया जा रहा है कहीं पर किसी पर तोहमत और इल्जाम लगा करके जुल्म किया जा रहा है कहीं किसी पर हाथ के जरिए से जुल्म किया जा रहा है किसी पर जुबान दराजी करके जुल्म किया जा रहा है किसी की ख़ीब करके जुल्म किया जा रहा है किसी के बारे में बुख् हसद रख करके जुल्म किया जा रहा है ये सारे जुल्म हैं और अल्लाह तबारको ताला ने इरशाद फरमाया है कि मैं जालिम से मुहब्बत नहीं करता और जुल्म को पसंद नहीं करता अब आप अंदाजा लगाएं कि एक सास या ससर का जुल्म बहू पर कैसे होता है आप हर तीसरे घर में देखेंगे हर तीसरे घर में देखें आने वाली दुल्हन को घर का हर फर्द यही समझता है कि हमारे काम करने के लिए एक नौकरानी आ चुकी है अपनी बेटी घर में है लेकिन उससे कोई ताल्लुक नहीं है काम करने के लिए अगर है तो वही बहू जिसको वो लाया है एक सास नमाज भी पढ़ती है रोजा भी रखती है कुरान की तलावत भी करती है हज और उमरा भी कर रखा है लेकिन बहू के लिए उसके दिल में रहम नहीं है आप यह बतलाइए कि ऐसी ऐसी सास को अल्लाह तबारो व तआला माफ कर सकता है ऐसे ससुर को अल्लाह तबारक व तआला माफ कर सकता है ऐसे सेठ को जो अपने मजदूरों पर जुल्म करता है अल्लाह तबारक व तआला माफ कर सकता है ऐसे मुदीर को जो अपने अंडर में रहने वालों पर जुल्म कर रहा है अल्लाह तबारक व तआला माफ कर सकता है कतई नहीं और मैं बात कर रहा था सास और बहू की आम तौर पर यह देखने में आता है कि सास बहू पर जुल्म पर जुल्म करती चली जाती है अपनी बेटी को बेटी और दूसरे की बेटी को नौकरानी समझते हैं दूसरे की बेटी को वो नौकरानी समझते हैं उन्हें अल्लाह का खौफ होता ही नहीं उसको भी किसी माँ बाप ने पैदा किया है किसी माँ बाप ने उसको लाड से प्यार से उसको पाला है उसकी परवरिश की है उसके बाद आपके घर में भेजा है और आप उसको अपनी नौकरानी समझते हैं या समझती हैं कैसे अल्लाह तबारक वाल माफ कर सकता है घर वालों में घर वालों में सबसे ज्यादा जिसको नीचे गिरी नजर से देखा जाता है वो बहू ही होती है घरों में जुल्म करने वालों चाहे वो सास हो चाहे ससुर हो चाहे जेठानी हो कोई भी हो याद रखो किसी की बेटी को नाजायज सताने वालों इस बात को याद रखो कि तुमको अल्लाह की पकड़ से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती अपने अंडर में किसी पर जुल्म करने वालों याद रखो कि अल्लाह तबारक वाले की ताकत से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है अल्लाह तबारक वाल की पकड़ बहुत ही सख्त है आप ये बताएं मुझे वो सास और वो ससर और खास तौर से मैं सास का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूं कि पर यह देखा जाता है कि जब किसी की बेटी को ले आते हैं और वो सास की जिस तरह से उसकी नकील कसने की कोशिश करती है अपनी बेटी को तो बेटी बहन बनाकर रखती है फूल की तरह से सुहलाती है और दूसरे की बेटी को नौकरानी समझती है बतला ये सास क्या अगर अल्लाह तबारक तआला बिल्ली पर जुल्म करने की वजह से एक औरत को जहन्नम में डाल सकता है तो बहू पर जुल्म करने वाली सास को जन्नत का मेहमान कैसे बना सकता है हमें आप ये जवाब दीजिए याद रखिए इस बात को याद रखिए इस बात को वो औरतें जो अपने आप को सास कहलाती हैं जो अपने आप को यह समझती हैं कि मेरी बेटी फूल है दूसरे की बेटी नौकरानी है याद रखिएगा अल्लाह तबारक वाली ने एक बिल्ली पर जुल्म करने की वजह से औरत को जहन्नम में डाल दिया था और अल्लाह तबारक वाल किसी की बेटी को सताने की वजह से आपको जन्नत का मेहमान नहीं बना सकता ये जुल्म है ये सरासर जुल्म है याद रखो अपने से छोटों पर जुल्म करने वालों गरीबों पर जुल्म करने वालों मुलाजमों पर जुल्म करने वालों तुम्हारी नमाज रोजा और दीगर इबादतें मजलूम की बदुआ से तुम्हें नहीं बचा सकेंगी चाहे वो कोई भी हो अल्लाह तबारक वाले ने साफ फरमा दिया है इनमी अल्लाह तबारक वाली जुल्म करने वालों से मुहबत नहीं करता और बहू पर जुल्म करने वाले सुसर जी और सास जी तुम भी याद रखो तुम भी इस बात को गांठ लगा लो अगर तुम्हारी बहू के वालदेन अगर तुम्हारी बहू के वालदेन तुम्हारे जुल्म के हाथों को नहीं पकड़ सकते तो याद रखो अर्श वाले की लाठी बड़ी बेआवाज है अर्श वाले की लाठी में आवाज नहीं है किसी भी दिन तुम्हारी नकील अल्लाह तबारक को ताला कस देगा किसी दिन तुम्हारी नकील को पकड़ लेगा, चाहे वो सेठ हो चाहे वो अमीर हो चाहे वो बड़ा हो चाहे वो किसी भी तरह का शख्स हो अगर किसी पर जुल्म करता है किसी तरह का जुल्म होता है तो कुरान का ये ऐलान है सूर्य इब्राहिम में आयत नंबर फोर्टी टू उठा करके पढ़ लीजिए अल्लाह तबारक वाले ने सराहत के साथ फरमा दिया है अल्लाह ये मत गुमान करके बैठो कि अल्लाह तबारक उतारा गाफिल है किस चीज से अम्मा या अमलोन जो ये जालिम लोग कर रहे हैं अल्लाह तबारक वाली इससे गाफिल नहीं अल्लाह तबारक वारा इससे जा गाफिल नहीं है अल्लाह तबारक वारा बस थोड़ी सी मोहलत दे रहा है जब आंखें पत्थर पथरा जाएंगी यानी मारे दहशत के उनकी आंखें एकदम पत्थर पत्थर हो जाएंगी अल्लाह तबारक वाल अल्ला थोड़ी सी मोहलत दे रखा है इसलिए मेरे भाई और दोस्तों मैं बतलाना यह चाहता हूं कि वो लोग जो अपने छोटों पर म करते हैं वो लोग जो गरीबों पर म करते हैं वो लोग जो मुलाजिमों पर म करते हैं वो सास जो बहू पर म करती है वो जेठानी जो देवरानी पर म करती है या किसी भी तरह का कोई करने वाला है तो इस चीज़ को याद रखो कि अल्लाह तबारक वाली के यहाँ देर है अंधेर नहीं है अल्लाह तबारक वाली तुमसे बदला लेगा और अल्लाह तबारक वाल ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है मोहतरम हजरात खातीन ऐसे जुल्म करने वाले ऐसे जुल्म करने वाले कयामत के दिन सबसे बड़े कंगाल होंगे मुफलिस होंगे फकीर होंगे मिस्किन होंगे कयामत के दिन किस दिन से किस चीज से मुफलिस होंगे किस चीज से मुफलिस होंगे किस चीज के फकीर होंगे किस चीज के कंगाल होंगे यानी ऐसे लोगों के पास जो बड़े बड़े सेठ थे नमाज भी है रोजा भी है सदका भी है उम्रा भी कराया है हज भी कराया है ऐसी सास जो हमेशा कुरान लेकर बैठी रहती है रोज़ा भी रखती है नमाज भी पढ़ती है ज़कात भी देती है अपना ऐलान भी करती रहती ये सबसे बड़े फ़कीर होंगे मस्किन होंगे ये सबसे बड़े मस्किन होंगे उस वक्त और अल्लाह तबारक तआला ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगा ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक तआला किसी भी तरह से माफ नहीं करेगा चूंकि अल्लाह तबारक ने बतला दिया है एक निजाम बतलाया है क्या निज़ाम है अल्लाह तबारक यह है अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अलैहि वसल्लम से पूछा गया आप वसल्लम ने पूछा अतदरून अमल मुफलिस से पूछा क्या तुम जानते हो कि मुफलिस किसको कहते हैं कंगाल किसको कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्ला ने सहाबा से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि कंगाल कौन होता है मुफलिस कौन होता है तो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम से सहाबा ने फरमाया कि मुफलिस हम में से वो शख्स होगा जिसके पास माल ना हो दौलत ना हो

सारी चीजें होंगी ये सारी इबादतें करके आया होगा मर्द हो औरत हो सेठ हो सास हो ससुर हो बड़ा हो जिठानी हो कोई भी हो अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम फरमाते हैं कि सारी इबादतें लेकर के आया होगा लेकिन साथ ही साथ अकलमा वो सफा कदम वो गरब हादा किसी को उसने गाली दिया होगा किसी पर तोहमत लगाया होगा किसी का माल हड़प लिया होगा किसी का खून बहाया होगा ये सारे इल्जाम उसके ऊपर होंगे अब आप अंदाजा लगाएं कि ऐसा शख्स ऐसा शख्स जिसने नमाजें पढ़ रखी हैं रमजान के रोजे भी रखे हैं नफली रोजे भी रखे हैं मर्द या औरत उमरा भी कर रखा है हज भी कुरान की तिलावत भी है लेकिन किसी को गाली दिया है किसी को सताया है किसी का खून बहाया है किसी की गिबत की है किसी पर इल्जाम लगाया है तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह के रसूल वसल्लम ने इरशाद फरमाया फा हादा मिन हसनाती ऐसे शख्स को किसी को उसने गाली दिया होगा तो ऐसे शख्स की नेकियां उसको दे दी जाएंगी जिसको गाली दिया है जिस पर जुल्म किया है जिस पर तोहमत लगाया है उसको इसकी नेकियां दे दी जाएंगी जिस पर जिसकी ख़ीबत की है उसको इसकी नेकियां दे दी जाएंगी जिसका खून बहाया है उसको इसकी नेकियां दे दी जाएंगी जिसने बहू को सताया है उस बहू को उस सास की नेकियां दे दी जाएंगी उस ससुर की नेकियां दे दी जाएंगी सवाल ये पैदा होता है कि जब उसकी नेकियां खत्म हो गई और अभी जिन पर जुल्म किया है वो लोग खत्म नहीं हुए हैं ऐसी सूरत में क्या होगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा फरमाया ऐसी सूरत में जिस पर इसने जुल्म किया है उसके गुनाह उठा करके उस शख्स पर लाद दिए जाएंगे यानी उसकी नेकियां खत्म हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पूछा था तुम में से सबसे बड़ा कंगाल कौन सा शख्स है सहाबा ने जवाब दिया था जिसके पास माल ना हो दीनार ना हो दिरहम ना हो नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं कयामत के दिन वो शख्स होगा जो सब कुछ नकियां लेकर आएगा लेकिन उसके जुल्म की वजह से उसकी नेकियां तकसीम कर दी जाएंगी बांट दी जाएंगी और जब उसकी नकियाँ खत्म हो जाएंगी तो दूसरों के गुनाह उस पर ला दिए जाएंगे और फिर अल्लाह तबारक वाले उसको जहन्नम में डाल देगा नौजिल्ल अब आप सोचिए आप अंदाजा लगाइए कि वो शख्स जो बहुत लंबी लंबी नमाजें पढ़ता था लेकिन अपने मजदूरों पर जुल्म किया करता था जो सदको खैरात के अंबार लगा देता था लेकिन अपने नाकहतों पर जुल्म किया करता था वो सास और ससर जो बड़ी लंबी लंबी हाकते थे लेकिन अपनी बहू पर जुल्म किया करते थे कयामत के दिन तो ये सब कंगाल हो जाएंगे कयामत के दिन तो ये सब के सब फकीर और मुफलिस हो जाएंगे लिहाजा मेरी बात शायद आपको सख्त लग रही हो लेकिन आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं कि सिर्फ नमाज और रोजा से जन्नत नहीं मिलेगी वो ख़वातीन भी सुन लें जो सास की शक्ल में बैठी हुई है। हैं, वो लोग भी सुन लें जो ससर की शक्ल में बैठे हुए हैं वो लोग भी सुन लें जो किसी पर हुक्म चला रहे हैं जो अमीर हैं जो सेठ हैं जिनके अंडर में लोग काम कर रहे हैं वह सबके सब इस बात को नोट कर लें कि अल्लाह तबारक वाल किसी को माफ नहीं कर सकता है बल्कि जहन्नम से नजात और जन्नत का मुस्तक वो होगा जो अपनी इबादत के साथ साथ किसी पर जुल्म से बचता रहा होगा किसी पर किसी तरह का जुल्म नहीं किया होगा अगर वो शख्स इबादत के साथ साथ किसी पर जुल्म नहीं करता है तो यकीन मानिए कि इंशा अल्लाह ताली अल्लाह तबारक वाली उसको जन्नत में दाखिल करेगा मोहतरम हजरात खातीन मुस्लिम शरीफ की इस हदीस में पांच चीज़ों का जिक्र किया गया है यह हदीस मैंने जो भी को बतलाई है इसमें पांच चीजों का जिक्र किया गया है पांच चीज़ें इसमें आती हैं नंबर एक गाली देना यानी किसी को नंबर एक गुस्से में आकर गुस्से में आकर या गा किसी भी तरह से किसी को गाली दे रहा यह गाली देना भी जुल्म है गाली देना भी यह जुल्म है नंबर दो किसी पर बोहतान लगाना उसके अंदर वह कमी नहीं पाई जाती है लेकिन एक आदमी काम कर रहा है अब इसको उसको भगाना है उस पर इल्जाम लगा रहा है कि नहीं यह काम नहीं कर पाता है इसके अंदर यह कमी है एक बहू है बेचारी वो सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती है लेकिन चूंकि सास को उसको सताना है दाल में नमक ज्यादा कर दिया ये आई है जब से मेरे घर का माहौल ऐसा हो गया मेरा बेटा ऐसा हो गया मेरी वगैरह वगैरह ये सारी बहुतान लगाना ये समझ लीजिए ये जुल्म है इसी तरह से किसी का माल खाना किसी का माल हड़प कर लेना ये भी चाहे किसी भी सूरत में उसका माल खा रहा हो यह भी जुल्म है और इसी तरह से खून बहाने की बात आई कि अगर कोई किसी को पर किसी का खून बहाता है यानी कत्ल कर देता है तो यह भी जुल्म है और इसी तरह से जुल्म करते हुए किसी पर हाथ उठाना किसी पर हाथ उठाना ये पांच चीजों का जिक्र इस हदीस में किया गया है और ये ऐसे लोग होंगे जो कयामत के दिन ऐसा करने वाले सबसे बड़े कंगाल सबसे बड़े मुफलिस सबसे बड़े फकीर होंगे मोहतरम हजरात खीन मरने से पहले मजलूम से माफी मांग लीजिए मरने से पहले अपना मामला साफ करा लीजिए मरने से पहले अपना हिसाब किताब साफ कर लीजिए अकलमंदी मंदी इसी में है वरना जब रूह कब्ज हो गई चाहे कोई कितना बड़ा सेठ हो चाहे कोई सास हो ससुर हो मुदीर हो अमीर हो कफील हो कुछ भी हो मरने के बाद ये रास्ते सारे बंद हो जाएंगे अकलमंदी इसमें है कि मरने से पहले अपना हिसाब किताब इसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है हुकूकुल इबाद को अल्लाह तबारक तआला कभी भी माफ नहीं करेगा उसी से माफ करवाएगा लिहाजा अल्लाह तबारक ने हमें और आपको यह मोहलत दे रखी है अगर किसी ने किसी पर जुल्म किया है तो मरने से पहले अपनी जिंदगी में उससे माफी मांग ले हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अनू से रवायत है कि नबी करीम वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी पर जिस आदमी पर भी अपने भाई का उसकी इज्जत या किसी और चीज के मुतालिक कोई हक हो इज्जत से खेला है उसका माल हड़प लिया है उस पर जुल्म किया है उस पर उसको किसी तरह से सताया है किसी भी तरह का हो और चीज के मुतालिक कोई भी हक हो तो वो उसको जरूर आज ही उसका इजाला कर ले आज ही माफी मांग ले कबल इसके कि वो दिन आ जाए जिसमें किसी के पास ना तो दिदहम होगा ना दीनार होगा अगर उसके पास नेक नेकअमल होंगे तो वो उसके जुल्म के बराबर ले लिए जाएंगे और अगर उसके पास नेकियां नहीं होंगे तो मजलूम की बुराइयां लेकर उस पर डाल दी जाएंगी ये हजरत हजरत अबुरु की रवायत जो सही बुखारी में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्लमंदी इसी में है कि इंसान मरने से पहले अपने मामले को साफ कर ले मोहतरम हजरात ख़वातीन कहने का मतलब यह है कि जुल्म बहुत ही बुरी चीज है और इबादत गुजार म का अंजाम जो मैंने आपको बतलाया कि कयामत के दिन वो कंगाल होगा इबादत गुजार जालिम का मतलब कि सोमो सलाद का पाबंद तो है नमाज रोजे का पाबंद तो है सदको खैरात का पाबंद तो है कुरान की तलावत का पाबंद भी तो है लेकिन किसी के साथ जुल्म कर रहा है किसी पर बहतान लगा रहा है किसी के साथ किसी की कर रहा है किसी पर जो है किसी का माल हड़प कर रहा है यानी किसी तरह से भी अगर वो ज्यादी कर रहा है तो क़ियामत के दिन ऐसे

किसी भी शख्स पर जुल्म करने से हमें दूर रखे और हमें करने से बचाए और हमें खात्मा बिल खैर की तौफीक अता फरमाए व रहमतुल्लाहि व बरकातहू